बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। साथ ही उन्होंने राजद प्रत्याशी मीसा भारती पर हमला बोलते हुए कहा कि राजद के लोग परिवारवादी हैं। वहीं रामकृपाल यादव ने लालू प्रसाद पर कटाक्ष किया। अपने विकारों से मुक्त होकर जो जातीय जहर का लहर का कहर ढाया है बिहार में, वो इससे लोगों से मुक्ति पाना होगा, बंधनों को तोड़ना होगा और हम बिहारी सब प्रभारी ये मनोभाव से बढ़ना होगा, तभी बिहार आगे बढ़ेगा। जब तक हम जातीय लहर के कहर में प्रभावित होते रहेंगे, बिहार को भगवान भी नहीं बचा सकता, बिहार कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। उठना होगा सबको और निकलना होगा, और यही समय है। हम तो सेवक रहे हैं और मैं कहना चाहता हूं, राजनीति कार्यकर्ता हूं मगर उससे ज्यादा कहीं सामाजिक कार्यकर्ता हूं। मेरे दरवाजे से कोई आज तक मैं जात पात हमारी पार्टी की हमारी सोच है, हम सबका साथ सबका विकास करना चाहते हैं, ही तो मोदी जी का नारा है। कोई एक आदमी भी मेरी जो हैसियत और औकात है मेरे दरवाजे पर क्या होगा, हम कभी उसको लौटाने का काम नहीं किया। बिना भेदभाव के सबके लिए उपलब्ध होकर के 24 घंटा सातों दिन मैं आपकी सेवा में रह करके रात दिन रह करके आपकी सेवा करने का काम किया। हमने तो दिल जीता। हाजीपुर से